नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुरहे। शुरुआत इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार ललित झा समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। और ललित से पहले 4 आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है, रिमांड उनकी मिल चुकी है 7 दिन की, और अब ललित भी पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। 2 आरोपी महेश और कैलाश अभी भी पुलिस की हिरासत में है। सरकारी वकील ने दलील ये दी है कि झा इस घटना का मास्टरमाइंड है। साथ ही साथ पूरी साजिश का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ भी बेहद जरूरी है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल उस अर्जी पर यह आदेश दिया जिसमें झा को 15 दिन की हिरासत में देने का अनुरोध किया गया है। तो बड़ी अपडेट आपको बताएं, संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार ललित झा समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। ललित से पहले 4 आरोपी पहले से ही पुलिस के रिमांड में है और अब ललित भी पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस ने 15 दिन की रिमांड मांगी थी, 7 दिन की रिमांड मिली है, और अब ऐसे में उन खास जगहों पर भी आरोपियों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लेकर जाएगी जिन जिन जगहों से इनके तार जुड़े हुए थे। और इसीलिए भी पुलिस चाह रही थी कि तकरीबन कम से कम 15 दिन का वक्त मिलना चाहिए, लेकिन इन 7 दिनों के भीतर ही इन तमाम आरोपियों को उन जगहों पर ले जाया जाएगा। और फिलहाल अब तक की तफ्तीश में माना जा रहा है कि यही ललित झा मास्टरमाइंड हो सकता है, लेकिन तफ्तीश इसके आगे भी लगातार जारी है। यह भी आशंका जाहिर की जा रही है सूत्रों के हवाले से कि क्या ललित झा सिर्फ एक मोहरा है, सूत्रधार इसके पीछे कोई और हो सकते हैं बड़े चेहरे, और इस दिशा में भी अब यह तफ्तीश लगातार आगे बढ़ती जा रही है। 4 आरोपी पहले ही पुलिस रिमांड में है और अब 2 आरोपी महेश और कैलाश अभी भी पुलिस की हिरासत में है। सरकारी वकील ने दलील इस बात की दी है कि झा इस घटना का मास्टरमाइंड हो सकता है, चाहे इंस्टाग्राम हैंडल्स हो या फिर वो तमाम जगहें जहां से इन लोगों का लिंक हो सकता है। पुलिस की कोशिश है कि खंगाले उन जगहों को, पूरी साजिश का पता लगाने के लिए पूछताछ लगातार जारी है। अदालत ने भी दिल्ली में जिस तरीके से ये घटना हुई है उसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और कड़ी जांच के आदेश दिए हैं। ललित झा को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है जबकि 4 आरोपी पहले से ही पुलिस रिमांड में है। और इस वक्त एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है, ललित झा समेत सभी आरोपी जिस भगत सिंह फैन पेज से जुड़े हुए हैं, बताया जा रहा है कि ये इंस्टाग्राम पर बनाया गया पेज देशभक्त 88 नाम के हैंडल से ये पेज बनाया गया। पेज में अपील इस बात की गई थी कि देश के युवा नई क्रांति के लिए उनसे जुड़े, और इस पेज के चैट बॉक्स में आप ये देख सकते हैं कि ललित जुड़ा हुआ है और उसने अपना परिचय भी दिया है कि वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। और इसके बाद में इस चैट बॉक्स में महेश जुड़ा और उसने अपना परिचय दिया कि मैं राजस्थान से हूं। और आपको बताएं कि पेज चलाने वाला देशभक्त 88 लिखता है, व्हाट्सएप पर आओ, इस पेज से जुड़ो, लोगों से आने वाले दिनों में पुलिस पूछताछ कर सकती है। और इस इंस्टाग्राम के जरिए सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में थे। और ये इस वक्त की एक बेहद अहम जानकारी भी सामने आ रही है, जिस ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से जुड़े थे, माना जा रहा है कि क्या इसके पीछे कोई और ऐसी अदृश्य बड़ी शक्ति है जो इन्हें इस तरह से करने के लिए गाइड कर रही थी, और इस दिशा में भी ये तफ्तीश लगातार जारी है। लेकिन जिस पेज पर इस तरह की चैट इन तमाम आरोपियों की हुई है वो तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए वो तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर किस तरह की बातें इस पेज पर लिखी गई। देखिए साफ तौर पर ये पेज का इंस्टाग्राम हैंडल आप देख रहे हैं और हैंडल पर ये स्टेटस लगाया गया है और उसमें इंकलाब जिंदाबाद की बातें कही है। लेकिन कमेंट्स की सबसे पहले बात कर लेंगे। ये देखिए इंकलाब जिंदाबाद अमरेली गुजरात, यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है, साथ साथ ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश। अगर ये देखिए ललित झा कोलकाता वेस्ट बंगाल, साफ साफ लिखा हुआ है। और इस फैन पेज के जरिए कनेक्शन जो है, प्रूफ जो है, वो पुलिस तक ना पहुंचे और युवाओं का ब्रेन वॉश भी कर लिया जाए, इस मकसद से ये फैन पेज बनाया गया और उसमें धीरे धीरे करके लोग जुड़ने शुरू भी हुए। आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, ये एक बेहद अहम जानकारी भी है, किस तरह की चैट सामने आई है, क्या अब तक इस चैट से समझ पाई है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? देखिए प्रशांत, इस जो इंस्टाग्राम पेज था इसका जो एडमिन है उसकी तफ्तीश लगातार स्पेशल सेल की जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट कर रही है। कल ही न्यूज 18 इंडिया ने खुलासा किया था कि एक दो नहीं बल्कि 7 स्मोक कैन लेके मेरे पीछे जो नया पार्लियामेंट है यहाँ पर जो है वो आरोपी पहुंचे थे, ललित उनके साथ यहाँ पर था। और प्लान केवल संसद में घुसने का नहीं था, प्लान 2 और तैयार किए गए थे। एक तो था कि बाहर एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उससे ललित को लगा कि एक बड़ा मैसेज जो है वो मीडिया में नहीं जाएगा, इसलिए फिर प्लान ये तैयार किया गया कि संसद के अंदर घुसा जाए। और बकायदा 2 बार रेकी की गई। ये तमाम लोग जो है उन्होंने गूगल पे काफी सर्च करा पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट की सुरक्षा कैसी होती है, कितने घेरे की सुरक्षा होती है, और इन्होंने बकायदा
गूगल पे ये भी सर्च करा कि कौन सा ऐसा ऐप है जिसपे कि सुरक्षित चैट की जाती ताकि कि जो जांच एजेंसियां वो आरोपियों तक नहीं पहुंचे, इसलिए सिग्नल ऐप के जरिए तमाम आरोपी जो है आपस में बात कर रहे थे और इस भगत सिंह पेज के जरिए ये देश के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे थे। इसकी तस्दीक यह खुद पेज कर रहा है जिसमें कि बोला जा रहा है कि व्हाट्सएप पे आओ, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े, हम ना किसी पार्टी से हैं और हम क्रांति करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल, और आनंद इसीलिए लिखा हुआ है पेज पर कि लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। ये किस तरह के रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्या ब्रेन वॉश करने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं इस कमेंट्स में कि ललित झा बाकायदा नंबर मांगता है जिससे कि पर्सनली टच में रह सके युवाओं के। देखिए अंकिता, बिल्कुल ललित झा मास्टरमाइंड है, ललित झा पेशे से एक टीचर रह चुका है, वो पश्चिम बंगाल में भी उसने काफी वक्त गुजारा और वहां के लोग बताते हैं कि बेहद ही शांत स्वभाव का था, लेकिन शांत स्वभाव के पीछे उसकी कितनी बड़ी रणनीति थी, कितनी बड़ी साजिश थी, इसका खुलासा तब होता है तब अपने साथ चार लोगों को लेकर संसद भवन पहुंचता है। बकायदा दो बार पहले अंकिता रेकी की जाती है, उसे पता था कि किस तरह से संसद के अंदर अपने साथियों को एंट्री कराना है, उसका भी उसने पूरा जो है अरेंजमेंट करा था, और उसके बाद उसने अपने साथ महेश जो था उसको अपने एसोसिएट बनाया कि किस तरह से छुपने में, लॉजिस्टिक मदद कराने में महेश उसकी मदद करेगा। यही वजह है कि महेश से लगातार पूछताछ की जा रही है और आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है और अब पुलिस की सबसे बड़ी सवाल उससे पूछे गए हैं, पूरी कहानी बताई गई है। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी ललित झा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर दिल्ली पुलिस की कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने ललित की रिमांड को बेहद जरूरी क्यों बताया और उसकी रिमांड के लिए कौन कौन सी दलीलें दी हैं, ये हम आपको एक एक करके बताते हैं। अब देखिए क्या क्या दलीलें दी गई हैं। संसद में प्रदर्शन के पीछे का उद्देश्य सांसदों को डराना था, ये पहली बात निकल करके सामने आई है। उसके अलावा साजिश रचने के समय ललित आरोपियों के साथ कई बार मिला, ये ललित की रिमांड नोटिस में पुलिस की दलील है। आरोपियों के किसी आतंकी संगठन या दुश्मन देश से संबंधों की भी जांच होनी है। दिल्ली पुलिस ने ललित को साजिश का मास्टरमाइंड बताया है, ललित ने ही फोन जला दिए थे। इस पूरी साजिश में ललित के अज्ञात मददगारों की भी तलाश है कि किन किन के वो संपर्क में आया। ललित झा ने सभी आरोपियों के फोन को नष्ट किया, सबूतों के लिए कई राज्यों में ललित को ले जाने की भी जरूरत है, ये बात भी पुलिस ने कही है। आरोपियों के मोबाइल को रिकवर करना बेहद जरूरी है क्योंकि उससे बहुत सारे खुलासे होंगे और पुलिस को जांच में मदद भी मिलेगी। हमारे सहयोगी आनंद लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। आनंद, हम बता रहे थे कि क्या क्या दलीलें यहाँ पर दी गई है पुलिस द्वारा, और जो उसने फोन नष्ट किए हैं सबसे अहम, उसको रिकवर करना जरूरी है, इसके अलावा तमाम लोकेशन, वो कौन कौन सी लोकेशन है जहाँ पर ललित को ले जाया जा सकता है। देखिए जसप्रीत, इस पूरे मामले के तार न केवल हरियाणा, महाराष्ट्र, इसके अलावा दिल्ली और राजस्थान से जुड़े पाए गए हैं, इसलिए और पश्चिम बंगाल से भी, इसलिए आरोपियों को इन तमाम जगहों पे ले जाया जाएगा क्योंकि आरोपी देखिए किसी एक प्रदेश के रहने वाले नहीं, अलग अलग प्रदेश के लोगों को इसमें शामिल किया गया और उन्हें बरगलाया गया और उसके बाद एक बड़ी साजिश रची गई कि किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर पहुंच के एक मैसेज देना, एक संदेश देना है और उसके बाद उसमें वो कामयाब भी होते हैं। यही वजह है कि कल कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि जो ललित है उसे कई जगहों पर ले जाना है, मोबाइल रिकवरी कराना है, इसके अलावा उसने और कौन कौन लोगों को अपने साथ जोड़ा उसकी तफ्तीश करना है। तो ललित के ऊपर पूरी जांच का दायरा टिका हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जसप्रीत की जो मोबाइल फोन है, क्योंकि उसमें कई सारे राज छुपे हो सकते हैं कि मोबाइल फोन से इन्होंने किन किन लोगों को फोन किया, किस किस तरह की चैट की और कौन इनके पीछे का कोई बड़ा हैंडलर है, उन तमाम चीजों की जांच जो है वो दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट कर रही है। ये 7 दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन 7 दिन के बाद कोर्ट में पुलिस को बताना पड़ेगा कि इन 7 दिनों के अंदर पुलिस ने क्या क्या सबूत इकट्ठे करे ताकि उनकी फर्दर रिमांड जो है आरोपियों की वो पुलिस को मिल सके। और बात उस वक्त की एक बड़ी अपडेट की कर लेंगे और लगातार हम आपको अपडेट तो दे ही रहे हैं। आनंद का पहले रुख करेंगे, लेकिन पहले हम इस वक्त की एक बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि संसद सुरक्षा चूक मामले में मुख्य आरोपी ललित झा बिहार के दरभंगा का रहने वाला है। उसका पैतृक आवास घर दरभंगा जिले के बहेड़ा थाना इलाके के रामपुर उदय गांव का बताया जा रहा है। ललित झा के पैतृक आवास पर अब DSP मनीष चंद्र चौधरी ने पहुंच करके उनके माता पिता से पूछताछ भी की है, डिटेल्स भी ली है। यानी कि इंस्टाग्राम पर जिस तरीके से ललित झा अपने वेस्ट बंगाल का होने का दावा करता रहा है वो दावा सरासर गलत है। ललित झा झूठ बोलकर युवाओं को अपनी गलत डिटेल बताकर लोगों को बरगलाता था, युवाओं को ब्रेन वॉश उनका करता था। ये पास था, बहुत बढ़िया लड़का था, उसको इनाम मिला था मिथिलांचल परिषद से। ललित बाबू ट्यूशन करते थे और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते थे, ये कल पता चला है। उनके गिरफ्तार होने के बाद वो भी दूसरों से, ये मोबाइल हमारे नहीं है, बेटे लोग को तो है, हमारे नहीं है।
कहना चाहेंगे जो हमारा सोना बेटा है, हमको कुछ समझ में नहीं आते हैं। हमारा गाड़ी पर बैठा दिया आपने, खून वाला में आपको थाना में खाएंगे तो उसको फर्स्ट फोन करेंगे, फोन करेंगे खून दान करने के लिए, तो खून दान करते हैं 3 बार खून दान कर लिए। नहीं है हमारा बेटा, गंदा नहीं है, नहीं पूछ लीजिए, चाहे हमारा सोना है, हमारा हाथ से छूट गया, क्या करेंगे। और आइए अब आपको ललित झा के परिवार के बारे में भी विस्तार से बताते हैं कि दरअसल ललित झा का संबंध कहां से है। पैतृक निवास स्थान दरभंगा का है, बिहार जिले का गांव रामपुर उदय जहां का ये रहने वाला है। इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए हम आपको एक डिटेल दे रहे हैं। पैतृक निवास, जैसा कि पहले भी प्रशांत बता चुके हैं कि दरभंगा बिहार का रहने वाला है। वहीं अगर गांव की बात करें तो ललित रामपुर उदय गांव का रहने वाला है, जबकि पिता देवानंद झा बताए जा रहे हैं। और जो आगे की पूछताछ हुई है उसमें कई और जानकारियां सामने आई है। पिता का पेशा पूजा पाठ करते हैं वो पारंपरिक तौर पर, और ललित के माता पिता कोलकाता में रहते हैं, और बेटी की गिरफ्तारी के बाद वो दरभंगा वापस लौटे हैं, ये जानकारी अब मिली है। तो ललित झा की पूरी कुंडली हम एक एक करके आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए बता रहे थे। हम सीधा रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरीके से इंस्टाग्राम कमेंट्स में हमने देखा और असलियत कुछ और ही है, दरभंगा का रहने वाला लेकिन अपने आप को बंगाल का बताता है, क्लियर तौर पर ब्रेन वॉश, झूठ बोलकर करने की कोशिश। देखिए अंकिता, जो दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है उसका कहना है कि अब तक जो जांच है उसमें लग रहा है कि ललित ही मास्टरमाइंड है, और इन्होंने एक अटेंशन देने के लिए पूरी साजिश रची कि किस तरह से सरकार का जो है वो ध्यान आकर्षित किया जाए संसद के सत्र के दौरान, और जो इनके मुद्दे थे वो मुद्दे जो है वो देश तक पहुंचे, इसलिए इन्होंने एक पूरा मीडिया अटेंशन लेने के लिए उस वक्त ये पूरा घटना को अंजाम दिया। जब पूरे देश की जो मीडिया है सत्र के दौरान पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी, उसी दौरान उन्होंने बकायदा 2 बार पहले रेकी की, और रेकी करने के बाद उन्होंने 13 दिसंबर का दिन चुना, तब 5 लोग जो है वो संसद के पास पहुंचते हैं, और ललित जो है पहले 4 लोगों के फोन रख लेता है बकायदा जो है कि वीडियो बनाने के लिए, और वो अपने सोशल मीडिया पेज पर यह बताता भी है कि जो वीडियो को सेव करके रखा जाए एक जगह, इस तरह की पोस्ट जो है वो भी सामने आई है जिसकी जो तस्दीक है वो दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। तो ललित के पीछे आखिर कौन लोग हैं, किस तरह से ललित ने इन तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ा, 9 महीने से तमाम लोग जो एक दूसरे को जानते थे, अलग अलग प्रदेश के रहने वाले, किस तरह से इन तमाम लोगों की चेन आपस में जुड़ी, ये तमाम कड़ियां जो है वो दिल्ली पुलिस की इस वजह से तलाशने में लगी हुई है। बिल्कुल आनंद, एक साधारण परिवार से आने वाला लड़का और इतनी खतरनाक साजिश,